और अभी आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने कहा है कि वालिद की तबीयत में बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। अमरीका से इलाज करवाने का ऑप्शन मौजूद है, कौम उनकी सेहतियाबी से मुतल्लिक दुआ करे। नवाज शरीफ 19 नवंबर से लंदन में इलाज की गर्ज से मौजूद हैं और इस दौरान वो 3 बार तिब्बी मुआयने के लिए घर से बाहर निकले हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आज भी 2 थेरेपी सेशंस करवाएंगे। इसके अलावा उन्हें क़ुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली अद्वियात भी दी जा रही हैं। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ का PET स्कैन जुमेरात को होगा, जिसके बाद डॉक्टर्स इलाज से मुतालिक लाहे अमल तय करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक इनके बेटे हुसैन नवाज का कहना है कि ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ का इलाज एक छत तले हो, लेकिन इनकी तबीयत में बेहतरी के आसार नहीं आ रहे। वालिद को मुतअद्दिद बार मशवरा दिया कि अमरीका से इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि अगले चंद रोज में मुतअद्दिद बार अस्पताल जाना पड़ेगा। बोन मैरो की तशखीस का मामला हसास है, लिहाजा कौम इनकी सेहत याबी से मुतालिक दुआ करें।